झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने समन भेजा है। जांच एजेंसी अवैध खनन मामले सीएम सोरेन से पूछताछ करेगी। हेमंत सोरेन पर करीब 1,000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले का आरोप है। सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को ईडी पहले ही इस केस में गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी इस मामले में सीएम सोरेन से 18 नवंबर 2022 को पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी ने उनसे 10 घंटे पूछताछ की थी। ईडी ने सोरेन के करीबी सहयोगी और बरहेट विधानसभा क्षेत्र के उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनके और दो अन्य लोगों के खिलाफ अभियोजन शिकायत चार्जशीट के बराबर दायर की। सितंबर 2022 में एजेंसी ने रांची की एक विशेष अदालत को सूचित किया कि उसने झारखंड के साहिबगंज जिले और आसपास के इलाकों में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के पत्थरों के अवैध खनन का पता लगाया है, जो सभी पंकज मिश्रा द्वारा नियंत्रित है। इसी के साथ ही ईडी ने अपनी शिकायत में कहा कि पंकज मिश्रा ने क्रेशरों की स्थापना को भी नियंत्रित किया है और लगभग सभी खदानों और सामग्री के परिवहन में निश्चित हिस्सेदारी थी। जांच एजेंसी ने 3 लोगों को आरोपी बनाया है। पंकज मिश्रा, उनके सहयोगी बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश पर आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर अवैध खनन के माध्यम से लाभ प्राप्त किया। ईडी की शिकायत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल के बयान का हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बार बैठक में सीएम ने पंकज मिश्रा को स्थन परगना में पत्थर और रेत खनन में आने वाले धन को शीघ्र सीधे सीधे प्रेम प्रकाश को सौंपने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि अब इस समन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम सोरेन पर अब मुश्किलों का दौर बढ़ने लगा है और अब अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भी भेज दिया है और इस मामले में हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। देखना ये भी होगा कि पंकज मिश्रा के गिरफ्तार होने के बाद क्या उनके बारे में कोई जानकारी बाहर निकल आ पाती है। क्या पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी कई बातों का खुलासा कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।